राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ मास महात्म द्वितीय अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको सुनाया था कि भगवान शंकर जी माता पार्वती को माघ मास की कथा सुनाते हुए राजा दिलीप का प्रसंग सुना रहे थे कि किस प्रकार से राजा दिलीप वन्य पशुओं का शिकार करते हुए महर्षि वैखानस से मिले। अब आगे सुनते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हे देवी पार्वती, महर्षि वैखानस के वचन सुनकर महाराजा दिलीप ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे माघ मास का महात्म विधान तथा इसके फल का ज्ञान नहीं है और जीव हिंसा के पाप का भी ज्ञान नहीं है। इस विषय में विस्तार पूर्वक बतलाकर आप मुझे ज्ञान कराने की कृपा करें। राजा के वचन सुनकर महर्षि वैखानस ने कहा, हे राजन, रात्रि का अंधकार समाप्त होने को है, शीघ्र ही सूर्योदय होगा, अतः मेरे पास समय नहीं है तुम्हें भोग और मोक्ष प्राप्त कराने वाले माघ महात्म को सुनाने में असमर्थ हूँ। आप स्नानादि से निवृत्त होकर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कीजिए। आप इस विषय में अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। राजा ने मरे हुए सुअरों को सरोवर के समीप ही फिकवा दिया और फिर समस्त सहयोगियों सहित सरोवर में स्नान कर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज दिलीप ने अपने मंत्रियों सहित महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचकर महर्षि को श्रद्धा सहित नमस्कार किया। महाराज दिलीप ने हाथ जोड़कर महर्षि वशिष्ठ जी से निवेदन किया, हे प्रभो, आपने मुझे राजनीति तथा दंड नीति की शिक्षा दी है। भगवान विष्णु की भक्ति के संबंध में भी मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आज मुझे माघ मास के महात्म तथा इस व्रत के संपूर्ण वृतांत को समझाएं। राजा के प्रश्न को सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम तथा उपयोगी प्रश्न किया है। भगवान विष्णु में आपकी अटल श्रद्धा और भक्ति देखकर आपको माघ मास के मातम की कथा सुनाता हूँ। इस महान पुण्य कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही इससे मनुष्य को वैकुंठ लोक अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आप सावधान होकर इस माघ मास के मातम का भक्ति भाव सहित श्रवण कीजिए। जो मनुष्य बिना अधिक काया कष्ट और दान पुण्य के मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे माघ स्नान करके माघ महात्म अवश्य ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला इस लोक में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के पश्चात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजन, दिव्य दृष्टिधारी महात्माओं का कथन है कि वैशाख मास में होम और दान और कार्तिक मास में तप और पूजा का महत्व है, परंतु माघ मास में तप, होम तथा दान तीनों का ही विशेष महत्व है। यही कारण है कि परम कल्याणकारी यह माघ मास है। जो माघ स्नान करता है और इस महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। प्राचीन कथाएं सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, देवी अदिति ने अन्न परित्याग करके निराहार रहकर 12 वर्ष तक माघ मास का स्नान किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 12 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। माघ स्नान से ही सुभगा, रोहिणी, अरुंधति महान धार्मिक नारियां दानशीला रूप में विख्यात हुई। माघ मास स्नान के द्वारा ही देवी इंद्राणी को इंद्र की अर्धांगिनी का पद प्राप्त हुआ। इसके फलस्वरूप वे नाना प्रकार के दिव्य सुखों का उपभोग करती हुई स्वर्ग में निवास कर रही हैं। ऐसे अनेकों पुण्यात्माएं हैं जिन्होंने माघ में स्नान करके अपना जीवन सफल बनाया है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राजन, वे पुण्यात्मा प्राणी धन्य हैं जो उत्तम वाद्य यंत्रों
गीतों तथा कीर्तन से युक्त होकर ईश्वर का ध्यान और आराधना करते हैं तथा मकर के रवि में स्नान कर अपना जीवन धन्य करते हैं। जो पुण्यात्मा जन माघ माह में विधि विधान सहित भगवान विष्णु जी की पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे पुण्यात्मा माघ मास के प्रताप से ही पृथ्वी पर सारे सुखों को भोगकर मृत्यु उपरांत स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। माघ मास में दान की महिमा बताते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, माघ मास में उत्तम दुधारू गौ का दान करने वाले मनुष्य गौ के रोम कुपों की संख्या के बराबर सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात गुड़ तथा तेल का दान करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर निर्मलता को प्राप्त करते हैं। माघ मास में तिलों का दान विशेष महत्वपूर्ण है तथा पापनाशक भी है, अतः प्रयास करके तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। माघ मास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला मनुष्य अपने पितरों को तृप्त करके निश्चित रूप से विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को जूते कंबल तथा जलपात्र दान करता है वह बिना संचय के स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य माघ स्नान करते हैं तथा इसमें यथाशक्ति भरपूर दान करते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। दान से पाप तथा महापातक नष्ट हो जाते हैं। दान से युक्त माघ स्नान श्रेष्ठ और फलदायी है। बिना दान के गृहस्थ की शोभा नहीं है। दान से अधिक पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यही बात महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर स्थित विद्याधनों को भी बतलाई थी। यदि आपने माघ मातम के प्रथम अध्याय कथा अभी नहीं सुनी है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस उपलब्ध हो सकें। लाइक का बटन भी दबाइए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि भगवान की कथा का प्रचार हो सके। और कमेंट में लिखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति श्री पद्म पुराणे माघ मात्तमे द्वितीय अध्याय समाप्तः।